बाद ये चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर ली है, एंड आई एम श्योर जिन लोगों को मैंने बताया है उनकी भी करेगा और आप लोगों की भी करेगा। आपको अब इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, इवन कवर लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिसको बहुत ही नोटिफाई हो जाता है उन लोगों को। टिमिडली आई अंडरस्टूड यार, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अ जॉब इंटरव्यू इन जर्मनी। अब यहाँ पर एक और मैं ट्रिक बताऊँगी जो मे भी आपके दिमाग खोल देगा, वो ये है कि हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। नमस्ते, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देगा वीडियो बनाने के लिए। टाइटल देख के जैसे आपको समझ में आ ही गया है कि कम एफर्ट्स में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या फिर जॉब कैसे मिल सकती है जर्मनी में, वो भी इस टाइम पे जब यहाँ पर जॉब्स नहीं हैं या बहुत कम हैं या कंपटीशन बहुत है, और आपको कैसे अलर्ट मैसेजेस आएंगे या आप कैसे तुरंत ही जॉब अप्लाई कर सकते हो ताकि आप टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। पहले मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल बता रही हूँ जो मेरे से लोगों ने पूछे, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ मेरे कलीग्स ने, कुछ जो जानने पहचानने वाले हैं फैमिली मेम्बर्स ने, और उनको क्या मैंने आंसर दिया, बेस्ड ऑन दैट ही ये वीडियो है। रिसेंटली मेरी कज़न सिस्टर जो है वो यहीं पर रहती है, मतलब यूरोप में ही एक जगह जॉब कर रही है, और उससे मेरी बात हुई एंड शी सेड दैट यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, को काफ़ी सारा अच्छी चीज़ें हैं कंपनी में, और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ, तो मुझे एज सच चेंज नहीं करना है कंपनी, बट बिकॉज मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज़ करना है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं जर्मनी में जॉब अप्लाई करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और इतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहती कि हर समय रिज्यूमे लिखूँ, CV लिखूँ। ऑल दो चैट GPT से हेल्प हो जाता है, बट मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एंड मेरे पास इतना कोई मोटिवेशन भी नहीं है कि मेरे को जॉब जो है वो चेंज करना ही करना है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी उसके लिए। सेम एग्जांपल मेरी फ्रेंड जो कि इंडिया में है, शी ऑल्सो सेट द सेम थिंग, यार सुरभि मैंने अपना एक रिज्यूमे तो बना लिया यहाँ के फॉर्मेट के हिसाब से, कवर लेटर भी कभी कभी लिख देती हूँ, पर अब इतना टाइम नहीं मिल पाता और जॉब में अच्छा खासा है सब कुछ बैंगलोर में, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं जो है वो रोज़ बैठ के देखूँ कि जॉब्स कौन सी आ रही हैं, कौन सी अप्लाई करना है या नहीं करना। जब टाइम मिल जाता है तो देख लेती हूँ, नहीं मिलता नहीं देखती। सेकेंड केस में मुझे लगा मेरी फ्रेंड जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रही है जो शायद उसे पता भी नहीं है, जो उसके सामने शायद बैठे बैठाए आ सकती है। ऐसा ही एक और केस जो मेरे जानने पहचानने वालों में से नहीं था, बट हाँ सिमिलर काइंड ऑफ केस आया। तब मैंने मेरा एग्जाम्पल जो है वो सोचा और मैंने ये एक्चुअली में सोचा कि हाँ यार दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग सेटिस्फाइड हैं जितना अर्न कर रहे हैं जिस कंपनी में हैं, कुछ लोग काफ़ी टाइम से एक कंपनी में हैं और वो वहाँ पर स्टेबल हो गए हैं। अब इस केस में अगर वो न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते भी हैं या चाहिए भी, तो लेकिन उनको एफर्ट्स नहीं डालना। और फिर मैंने अपना एग्जाम्पल देखा जिसमें मुझे एटलीस्ट, मैं भी जॉब नहीं ढूंढ रही थी क्योंकि ऑफ़ कोर्स न्यू मदर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप नए चैलेंज नहीं लेना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते हो, बट मेरे को खुद से खुद रिक्रूटर के जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आते हैं और आज भी आ रहे हैं, और जब मैं मैटरनिटी लीव पे थी तब भी आते थे और अभी भी हर कभी आ जाते हैं। ऐसा मैं क्या करती हूँ जिससे मुझे ऐसा होता है? और समहाउ मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए भी रिसेंटली, जैसे मैंने लग्जमबर्ग के बारे में बताया था, जर्मनी के बारे में, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद से आती है ना तो आप उसको ना नहीं कर पाते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको वो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है यार ये तो बेकार है, बट अच्छा कुछ आता है तो आपको लगता है यार लेट मी ट्राई। फिर वो एग्जांपल रिलेटेड टू सैलरी हो गया कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, रिलेटेड टू आपको सीनियर प्रोफाइल मिल रही है, रिलेटेड टू आप सेम लोकेशन पे काम कर रहे हो, लाइक म्यूनिक में अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वाई नॉट, मैं बिल्कुल सोचूंगी कि मैं चेंज करूँ जॉब। तो यही सब सोच के मैंने फिगर आउट किया कि आपको क्या करना चाहिए, और वीडियो में मैं वही बताऊँगी, क्योंकि आई एम
श्योर कि आप भी यही सोच रहे होगे। अगर आपका भी सिमिलर टू कोई भी एग्जाम्पल है तो प्लीज़ शेयर करो, मैं सुनना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन आज मैं अपना सीक्रेट रिवील करती हूँ और हो सकता है ये आपको हेल्प करे, क्योंकि उन दोनों को भी या उन तीनों को भी जो है वो मैंने सेम एग्जाम्पल दिया या सेम चीज़ समझाई कि तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये है लिंक्डइन का ऑप्शन। और लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन में अब मुझे लग रहा है कि 90-100% जॉब्स जो है इंग्लिश स्पीकिंग मेनली या इंटरनेशनल लोगों को जो टारगेट करती है, यूरोप में स्पेशली, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में स्पेशली, वो सारी जॉब्स जो है वो लिंक्डइन में होती है। तो अब मैं नहीं जाती 10 प्लेटफॉर्म में, लेकिन अगर आपको याद होगा जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने 4-5 प्लेटफॉर्म बताए थे जहां आपको जॉब जो है वो फाइंड आउट करनी चाहिए। जर्मनी में, लग्जमबर्ग में भी हैं ऐसे, बट अब मुझे लगता है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में आपको सारी जॉब्स मिल जाती हैं आपके काम की, वो है लिंक्डइन। यहां पर मैं सिर्फ एक ही टूल यूज करती हूँ लिंक्डइन, और उसमें मैं बार बार नहीं जाती, हर कभी नहीं जाती। मेरे फोन में ऐप है, मुझे जब लगता है कि यार मुझे आज जॉब अप्लाई करनी है या मुझे किसी का मैसेज आया या कोई नोटिफिकेशन आया, मैं तभी वहां पर देखती हूँ। बट यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज करी। सबसे पहला जो स्टेप था, आपको मतलब पूरा पता चलेगा बट वीडियो एंड तक देखना, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया था, कुछ डाउन द लाइन जब मैंने जॉब ढूंढना यहाँ पर स्टार्ट किया था, जैसे टाइम हो गया, मैंने अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन में अपडेट किया था। और प्रोफाइल लिंक्डइन में अपडेट करने का ये मतलब है कि आपको एप्रोप्रिएट फोटो वहां पर लगानी है, अपने स्किल सेट्स जो है वो अच्छे से वहां पर मेंशन करने हैं, वहाँ पर स्किल्स क्या है आपके वो ऑप्शन आता है हर एक जॉब एक्सपीरियंस पर, वो आपको वहाँ पर डालना है, अपडेट करना है प्रोफाइल, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगे रिक्रूटर को। ये काम मैंने सबसे पहले किया और मुझे लगता है मैंने 2-3 साल से वो चेंज भी नहीं किया। जब जब मैं जॉब चेंज करती हूँ तभी मैं वो चेंज करती हूँ, और उसमें भी मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब की वो डालती हूँ, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया वहाँ पर। तो ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़, मैंने एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाया, सिर्फ 2 पेज का। उसमें मेरा मतलब कितना 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसमें मैंने सारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे से लिखा। ऐसा नहीं कि मैंने कहानियाँ लिखी, बट बहुत अच्छा एक यूरोपियन फॉर्मेट का रिज्यूमे बनाया इंग्लिश में, और वो मैंने एक साइड में रखा। अब मैं आपको आगे चीज़ बताती हूँ। तो एक बार जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर ली, मैंने स्किल सेट्स ऐड कर ली, फिर मैंने रिज्यूम फॉर्मेट बनाया और उस रिज्यूम फॉर्मेट को PDF फॉर्मेट में सेव कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगता है। आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हो, बट लिंक्डइन में सिर्फ PDF फॉर्मेट जो है वो इनफ है। उसके बाद ये चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर ली, एंड आई एम श्योर जिन लोगों को मैंने बताया है उनकी भी करेगा और आप लोगों की भी करेगा। मैंने वहाँ पर सेट फिल्टर्स करके ऑप्शन है, जिस कंपनीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ या जिस प्रोफाइल्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई थिंक कंपनी तो मैंने स्पेसिफिक नहीं डाली, बट प्रोफाइल्स रिलेटेड वहाँ पर मैं जो भी सर्च करती थी, जैसे मेरी मैनेजर मर्चेंडाइजिंग मैनेजर प्रोफाइल है, बाइंग प्रोफाइल है, कैटेगरी मैनेजर प्रोफाइल है, ये सर्च वर्ड्स जो है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, और मैंने उसको सेट कर दिया किस लोकेशन पे किस टाइप का जॉब है, लाइक रिमोट करना चाहते हो, हाइब्रिड करना चाहते हो, या फिर फुल टाइम करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, ऐसे सारे ऑप्शंस जो होते हैं, लोकेशन, जॉब, कंपनी, सब कुछ वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये मैं जो है वो जब मैं जॉब ढूंढ रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा ये देखती रहती थी, तो वो लिंक्डइन को भी पता चल गया कि मेरे को किस टाइप की जॉब्स चाहिए, और आप ये सेट भी कर सकते हो। तो जब आप सेट करोगे अपने स्किल सेट्स और ये सारी चीज़ें, तो आपको खुद ही खुद जो है वो सेम नई जॉब्स जैसे ही आएगी, मतलब जैसे ही जॉब जो है वो पोस्ट करता है रिक्रूटर, आपके पास ईमेल आ जाता है या लिंक्डइन में नोटिफिकेशन आ जाता है, हर दिन के ऐसे मेल्स आते हैं, आप क्विकली चेक कर सकते हो और आपको जो सही लगता है वो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी चीज़ या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो आपके एफर्ट्स जो है वो एकदम नेग्लिजिबल कर देगा, जो आई थिंक आपको अब इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, इवन कवर लेटर की भी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मैंने जितना एक्सपीरियंस करा, ऑफकोर्स एक कवर लेटर अच्छा सा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे अप्लाई करने के लाइक मुझे न्यू जॉब्स के रेलेवेंट काइंड ऑफ जो है जॉब्स के ईमेल आने लगते हैं, नोटिफिकेशन आने लगते हैं,
और जो ऑप्शन मैं चूज़ करती हूँ वो होता है इजी अप्लाई ऑप्शन। ये बात बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। इजी अप्लाई ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई जॉब लगी, नोटिफिकेशन आया, आपने देखा उसमें इजी अप्लाई ऑप्शन है, आप तुरंत जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ कुछ सेकंड का जॉब है। आपने इजी अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करा उस जॉब की, उसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, आपकी जर्मन लेवल स्किल्स या इंग्लिश लेवल स्किल क्या है, या कुछ अगर एक्सपीरियंस रिलेटेड जॉब है वो कितना एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस पर आप बस उनको भेज दो। और आपका जो रिज्यूमे मैंने बोला था आपको बना के रखना है, वो रिज्यूमे ऑलरेडी लिंक्डइन में होता है जब आप अप्लाई कर देते हो, और वो रिज्यूमे ही वो भेजता है। और ये भी दो ऑप्शंस होते हैं कि आपकी प्रोफाइल ही भेजना है उन्हें जो लिंक्डइन की है, या आपका जो रिज्यूमे है PDF फॉर्मेट का या जो भी फॉर्मेट का है वो भेजना है। तो मैं जो है वो अपना रिज्यूमे जो मैंने बना रखा है काफ़ी अच्छा सा वो भेजती हूँ। अगर आपको मेरा रिज्यूमे चाहिए तो कमेंट करो, प्लीज़ सेंड योर रिज्यूमे, तो मैं आप सब लोगों की, और ईमेल आईडी मेंशन कर देना, तो मैं अपना रिज्यूमे जो है वो बहुत जल्दी आपको सेंड करूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, और मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल आ जाते हैं रिक्रूटर के सिर्फ ये वाले ऑप्शन से। जब भी मुझे देखना होता है मैं जाती हूँ लिंक्डइन में, नोटिफिकेशन चेक करती हूँ, मुझे कुछ अच्छा सा लगता है मैं अप्लाई कर देती हूँ। अब अगर वहाँ पर इजी अप्लाई ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, एक बार जब मेरे को नोटिफिकेशन आता है और उनमें से जैसे मुझे 10 जॉब्स का नोटिफिकेशन आया, न्यू जॉब्स का, उनमें से अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे लगता है यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, इसको तो करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, या ये तो मेरी सैलरी बहुत इंक्रीज़ कर देगा, या हो सकता है मुझे इंडिया से यहाँ पर बुला लिया जाए, उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं उसको सेव कर लेती हूँ। और सेव ऑप्शन जो होता है वो वहीं पर रहता है, तो मुझे तुरंत अप्लाई नहीं करना पड़ता। आज हम इतने बिजी दुनिया में हैं कि हम भूल जाते हैं सेव करने के बाद भी, या फिर हम हमारे दिमाग से ही निकल जाता है अरे यार वो जॉब आई थी, और आपको इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाने कि नहीं यार चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने आपके दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो बताए। मैं सेव कर लेती हूँ, फिर मुझे जब टाइम मिलता है जैसे सैटरडे संडे या वीक में कभी टाइम मिलता है, तो वहाँ पर फिर मैं वो चेक करती हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप सेव कर लेते हो तो माय जॉब्स में सेव करके ऑप्शन आता है, उस पर आप जाके देख सकते हो लिंक्डइन में माय जॉब सेव, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब कभी कभी ये पर्टिकुलर जॉब्स हैं ये डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाती है, जॉब वेबसाइट या उनकी जो भी वेबसाइट है उस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी आपको रिज्यूमे, कवर लेटर और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डालने होते हैं, तो इस केस में आपको कवर लेटर रेडी करना होगा और उस प्रोफाइल के हिसाब से 2-3 जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप बता सकती हूँ कि आप जो है वो चैट GPT यूज़ कर सकते हो, उनके स्किल सेट, अपने स्किल सेट को डालो, उनसे बोल दो भैया अच्छा सा कवर लेटर बना दो, चैट GPT को बोलो, और वो चैट GPT जो है वो आपको बहुत अच्छा सा कवर लेटर बना के दे देगा। इट्स काइंड ऑफ 5-मिनट जॉब, उसको PDF फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करके और आप उसको अपलोड कर दो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं या अगर आपका कोई रेफरेंस है वो मांग रहे हैं तो वो भेज दो। इतना सा करना पड़ता है, और इसके बेसिस पे मुझे काफ़ी सारे जॉब मतलब इंटरव्यू कॉल आने लगते हैं। और यहाँ पर जर्मनी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरव्यूज़, बट आते हैं, और आई थिंक ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं मुझे जॉब चाहिए, अब ये दूसरा एग्जांपल हो गया, तो आप इनका प्रीमियम जो है वो ट्राई कर सकते हो। प्रीमियम जो है वो फर्स्ट 2 मंथ या मंथ के लिए जो है वो फ्री मिलता है, और रिक्रूटर को आप डायरेक्टली, तो जब आप जॉब प्रोफाइल देखते हो आप रिक्रूटर का नाम होता है, आप उसको इन मेल डायरेक्टली कर सकते हो और वो डायरेक्टली उनके मैसेज पर जाएगा और वो इंटरेस्टेड होगा तो कॉन्टेक्ट करेगा। लाइक ये एग्जाम्पल देखो, मैंने ये मुझे बहुत इंटरेस्टेड जॉब था टेमू की कैटेगरी मैनेजर। टेमू जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है यूरोप में, अभी अभी आया है, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, काइंड ऑफ अमेजोन बोल सकती हूँ मैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये जॉब और मैंने रिक्रूटर को इन मेल किया, तब मुझे फ्री सब्सक्रिप्शन मिला था या कुछ तो हुआ था, मैंने उनको किया था। एंड सी दैट उस जो रिक्रूटर है उसका डायरेक्टली मेरे पास मेल आया कि यस आप अपना रिज्यूमे भेजो।
तो ये भी आप प्रीमियम ट्राई कर सकते हो और ये भी आपको हेल्प करेगा। और आप अच्छा सा उनको ईमेल लिख सकते हो, इवन लिंक्डइन में जब आप प्रीमियम लेते हो तो वो खुद ही मेल लिख के भेज देता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। बट इन बोथ द केसेस आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से अप टू डेट होनी चाहिए, आपके की स्किल्स जो हैं वो भी अच्छे से अपडेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और मैट्रिक बताऊंगी जो मे भी आपके दिमाग खोल देगा, वो ये है कि जब आपको कोई भी प्रोफाइल जॉब दिखती है, जॉब पोस्टिंग दिखती है, न्यू वैकेंसी दिखती है, तो वहाँ पर 10 या 11 स्किल्स होती हैं। अब वो ये बोलता है कि आउट ऑफ 10 आपकी 5 स्किल या 6 स्किल मैच कर रही है। कभी कभी क्या होता है, वो स्किल सेट तो आपके पास होती है बट वो जो वर्डिंग्स हैं वो स्किल सेट के साथ आपने नहीं डाले होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम 8 से 9, अगर जैसे 10 है तो 8 से 9 जो है वो मैच कर दूँ, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है बट मैं ऐसा करती हूँ और ये मुझे हेल्प करता है। और सेम चीज़ जो है वो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताई एंड आई थिंक उनको भी हेल्प कर रहा है सीरियसली, क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम हो गया है एंड मैं इस पर थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी एंड इट हेल्प्स टू देम ऑल्सो, इवन फॉर माई सिस्टर ऑल्सो। तो ये थे कुछ टिप्स जिसमें आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं और आपको जॉब्स के जो भी कॉल्स हैं, इंटरव्यू कॉल्स हैं, वो आएंगे। अब इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, क्या चीज़ें रेडी रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने इतने जॉब्स दे चुकी हूँ, मैं इतने जॉब्स निकाल चुकी हूँ और मुझे इतने मेल्स आते रहते हैं कि मैं मतलब खुद सोचती हूँ कि यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे मुझे इतना हेल्प कर रहा है। क्योंकि कोई मैं रॉकेट साइंस कुछ चीज़ नहीं कर रही हूँ या मेरा एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं है वाओ कि सब रिक्रूटर जो है वो अट्रैक्ट होके मेरे पास आएंगे और बोलेंगे भाई इसको ही लेना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिसको बहुत ही नोटिफाई हो जाता है उन लोगों को कि यार ये बंदी जो है इसका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसको जो है चलो मेल करते हैं और पूछते हैं इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड। तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है आस्किंग विथ मी कि यार तुम जॉब चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं है। बट ये तो सिर्फ इंटरव्यू कॉल की बात हो गई, या फिर आप कैसे कम एफर्ट्स में उन लोगों को जो है वो नोटिफाई कर सकते हो। बट इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें अल्टीमेटली आपको जॉब ऑफर आना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, किस कंट्री में इंटरेस्टेड हो, आपने कभी इजी अप्लाई ऑप्शन या फिर सेव जॉब करके ऑप्शन जो है वो देखा है या नहीं वो ज़रूर बताना। कभी भी आपके दिमाग में इस तरीके की चीज़ आई है या नहीं आई है वो बताना। और ये वीडियो शेयर करना सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ हार्ड टाइम फॉर जर्मनी। बट अभी मैंने देखा है जुलाई से जो है वो मार्केट अप होने लगा है, तो काफ़ी सारी न्यू जॉब्स जो हैं वो आपको लिंक्डइन में दिखेंगी। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा। इवन अगर आपको लिंक्डइन में कोई ऐसी जॉब्स दिखती है जो आपके फ्रेंड्स को हेल्पफुल रहे, वो भी आप उनको शेयर करना और ये वीडियो पक्का शेयर करना ताकि उनको हेल्प हो पाए। होप यू enjoyed दिस वीडियो, क्योंकि मेरे दो मतलब एक कज़न, एक फ्रेंड और एक और अननोन लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है। अननोन का मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि मैंने इतना फीडबैक नहीं लिया, बट मैंने जो दो अपने लोग हैं उनसे फीडबैक लिया और मैंने खुद का एग्जाम्पल जो है वो आपको बताया। आई थिंक खुद के एग्जाम्पल्स जो होते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिड इन जर्मनी, बिकॉज ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल्स करी चीज़ें एंड देन अल्टीमेटली आई अंडरस्टूड यार दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अ जॉब इंटरव्यू इन जर्मनी, या कम एफर्ट्स में आप कैसे जॉब कर सकते हो। वेल, दिस इज़ इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में है, कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करना। एंड इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो जाके देखो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल कंटेंट जो है वो हम लोग डालते रहते हैं, अदर देन इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव तो आपको पता ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।